असल साहब एनडिया से बोल रही हूँ आप बोल रही हूँ आपका तो पूरा को बहुत अच्छा लगता है कल तो रूह की बात में वेट करती रह गई सैटरडे को टाइम संडे हो गया था वेट करती रही नहीं मिला टाइम चेंज हो गया और एक बात मेरे बेटा का नाम मोहम्मद अहमद है इसके लिए भी दुआ करिएगा गला इसके भी ऐसे ही जहन रबी आलमीन जिसके बाद अभी आपने फरमाया और मेरा एक एक सवाल था कि मैं सवाल ये था कि मैं दूध लेती थी गुबाला से नॉन मुस्लिम से तो वो दूध में अक्सर ना नाखून डूब जाता था तो मैंने वो बोला उसकी मकरू होता है नाखून मत डूबा है कहीं दूध में तो उसने मुझसे सवाल किया आप लोग खाना खाते हो तो पांचों उंगली आपका नाखून खाने में तो खाना मकरू नहीं होता है क्या तो मुझे इसका जवाब समझ में नहीं आया कि मैं पैसा क्या जवाब दूँ मतलब हम भी तो यकीन पे करते पर उसने कहा कि खाना मकरू नहीं होता आपका जब आप खाना खाते हो तो आपको पांचों उंगली तो नाखून खाने में रहता है तो मुझे इसकी वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया 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 बहुत बहुत नफीसा इंडिया से कॉल कर रही है माशा ताला आपकी मोहब्बत को कबूल मंजूर फरमाए बेहतरीन फरमाए और रो की बातों का प्रोग्राम आप इंतजार करती रही नाजरीन दोबारा फिर नोट कर लें कि रूह की बातें जो जुमे को आया करता था जुमे को जो है रात नौ बजे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक आता था और आपके इंडिया के अंदर जो है पता नहीं जो है वो सवेरे के क्या बजे होंगे पाकिस्तान में तो सवेरे के जो है सात बजे होते हैं जो है वो क्या कि संडे शुरू हो जाता है और जो है वो सॉरी सैटरडे शुरू हो जाता था सात बजे होते थे इंडिया के अंदर गालबा साढ़े छः बजे होंगे या साढ़े सात बजे होंगे लेकिन अब उसका वक्त जुमे नहीं रहा अब उसका वक्त जो है हफ्ता हो गया सैटरडे अब सैटरडे को रात नौ बजे आया करेगा जो पाकिस्तान के अंदर जो है संडे को सुबह जो है वो सात बजे होंगे और आपके जो है वो इंडिया के अंदर गालबा साढ़े छः बजे होंगे सुबह के तो ये संडे का दिन होगा तो ये वक्त चेंज हो गया है अब हमने उसका सेटअप चेंज कर दिया अब मस्जिद के अंदर जो है अखूर मस्जिद कोईज़ न्यूयॉर्क के अंदर करते हैं उसमें फ़िज़िकली जो लोग ट्राई स्टेट के उनके भी आने की इजाज़त है वो भी आके शरीक हों और फिज़िकली सवाल करें वो भी आपने देखा होगा वीडियो उसकी भी तस्वीर आती है बाकायदा वो सवाल करता है तो कल हमने फ़र्स्ट टाइम वो सैटअप सारा किया माशाला बड़ा कामयाब रहा और फिज़िकली भी लोग मौजूद थे और आप हज़रा जो है वो कॉल्स के ज़रिए से भी हमारे साथ शरीक थे और आपके सवालत हम लेते रहे और तस्वसलूफ़ की गुफ्तु चलती रही क्योंकि रूह की बातें जो है तसवसलूफ ही के हवाले से चूँकि प्रोग्राम है लिहाजा हमने वो उस दिन के अंदर रख लिया जिस दिन में मुरीदीन आते हैं और महफिल जिक्र होती है लिहाज उसके बाद महफिल जिक्र भी होती है और रूह और ताज़ा हो जाती है तो अल्लाह ताला आपको इसका बदला दे कि आप इंतज़ार करती नहीं इंतज़ार जो है वो कहते हैं इंतजार सलाद जो है नमाज का इंतजार भी नमाज ही होता है क्योंकि आपको अज़र जो है पूरा पूरा मिला अल्लाह आपको बरकत दे और दूसरा आपने सवाल किया कि नाखून जो हिंदू का डूबा तो आपने कहा जी ये नाखून ये मकरू हो जाता इस हो है इसमें ना डूबें उन्होंने कहा जी तुम लोग भी तो करते हो तुम लोग खाना खाते हो डुबोते हो असल में नाखून जो है इस नाखून के डूबने का मसला नहीं है नाखून के नीचे जो मैल जमता है मैल मैल सवाल उस मैल का है अगर नाखून आपके बड़े में है लेकिन अंदर से मैल आपने सारा साफ़ किया हुआ है तो अगर वो डूब गया तो कोई मकरू नहीं है कराहत उस मैल की वजह से आती है को मैल किसके एक तो मैल खुद एक मैल फिर की कोई निजास्त के जरत हो इंसान इस संजय भी करता है इंसान और बहुत सी सीज़ें हाथों में पकड़ता है तो नाखन के चे वह मैल जमता रहता है तभी नाखन काटने का हुक्म है कि नाखन जब काट लिए तो मैल अगर जमा भी है तो मैल गिर गया साथ के साथ लेकिन अगर एक बंदे ने नाखून रखे हुए हैं लेकिन नाखून के नीचे मैल जम नहीं देता मैल को किसी भी चीज़ से किसी तिनके से साफ करता रहता है और वो नाखून अगर दूध में या जो या खाने में डूब, डूब, डूबे हैं तो कोई कराहत नहीं है तो इसलिए जो है ये हम नाखून जो हम खाना खाते हैं उसमें अगर डू, डूब जाते हैं तो क्योंकि वो अव्वल तो कटे होते हैं या अगर बड़े हुए हैं और उसके अंदर किसी किस्म का नाखन में मैल वैल नहीं है तो इसका मतलब कोई कराहत नहीं ऐसी वो हिंदू जो है अगर उसके नाखून बड़े हुए हैं उसके अंदर मैल है तो यकीन मकरू अगर मैल नहीं है और वो मैल उसका साफ हुआ वैसे नाखुन बड़े हुए हैं तो अब अगर उससे उसका दूध के अंदर अगर नाखून नाखन उसके डूब गए तो उससे कोई कराहत लाजिम नहीं आती इलाइए ये कोई और निजात उसके हाथ पर हो तो असल बात उस नाखन की तह के नीचे मैल नहीं होनी चाहिए उस वजह से कराहत पैदा होती है